आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि दादी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। दीवान साहब, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी या किसकी दुआ थी जिसकी वजह से दादी माँ इतना बड़ा ऑपरेशन बर्दाश्त कर सकते। मैं तो कहूंगा एक चमत्कार ही है। फिक्र मत कीजिएगा, आज शाम तक उनको होश आ जाएगा। डॉक्टर जोशी। यार डॉक्टर जोशी, आपके बेटे की हालत कैसी है? अब वो ठीक है, मगर एक बुरी खबर है सर। जो ऑपरेशन छोड़कर आप चले गए थे उसे डॉक्टर राज ने कंटिन्यू किया और वो सक्सेसफुल हो गया सर। इससे तो मेरा नाम खराब हो सकता है। एक बात और भी है सर, वो ये कह रहा था कि इस हरकत के लिए वो आप पर केस करेगा। मुझ पर केस करेगा? उसके बाप का राज है क्या? ठीक है, तुम एक काम करो, जो लोग ऑपरेशन थिएटर में थे सबको बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। उसके कोई भी कदम उठाने से पहले उन लोगों को मिलना बहुत जरूरी है। जी सर। मेरी बात ध्यान से सुनो, डॉक्टर राज ने मुझे पूछे बगैर ये ऑपरेशन, उसने केस खराब कर दिया। अगर मैं एन वक्त पर वहां पहुंचकर केस को न संभालता तो पेशेंट की जान चली जाती। यही बयान तुम लोगों को देना है, समझ गए? यस। मैं तुम लोगों का साथ चाहता हूं। अगर मेरी हॉस्पिटल में रहकर तुम लोगों को तरक्की करनी है तो मेरा साथ देना हो। और हाँ, ये मत भूलो कि मेरे तुम लोगों पर कितने एहसान हैं। हम सब आपके साथ हैं डॉक्टर साहब। लेकिन सर, पेशेंट के घर वाले उसकी सारी सच्चाई जानते हैं। उनके सच्चाई जानने से क्या होगा? सच्चाई वो लोग जानते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं। बाहर वालों को क्या पता कि You are absolutely right, sir. इस तरह से कोई केस सारा के सारा अब आपके हाथ में। आखिर तुम लोगों ने मुझे बचाया। हमने नहीं मां, ऊपर वाले ने तुम्हें बचा लिया। और ऊपर वाले के बाद आपको बचाने उसका हाथ है, उसने आपको फिर ले ली। कौन है वो जिसने मुझे दूसरी जिंदगी दी? पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाइए, उसके बाद आपको बता दूंगा। यही नहीं दादी मां, आपको दूसरी जिंदगी देने में डॉक्टर राज का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ दादी मां, अगर वो रिस्क ना लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। दादी मां, डॉक्टर राज की मेहरबानी की वजह से ही आप ठीक हुई हैं। ये सोचिए, हमारे लिए वो भगवान का रूप लेकर आए हैं। हाँ, और जिस डॉक्टर जोशी पे हमको भरोसा था वो दामन बचा के भाग गया। भगवान डॉक्टर राज को बहुत बड़ा आदमी बनाए। सर, अगर उस वक्त मैंने ये रिस्क नहीं लिया होता तो शायद पेशेंट मर भी सकती थी। झूठ बोलता है, मेरी परमिशन के बिना इसने ऑपरेशन किया और मेरे जूनियर से कहा कि वो मेरी परमिशन ले चुका है, इसलिए इन लोगों ने इसका साथ दिया। जब तक मुझे खबर मिली तो केस बिगड़ चुका था और पेशेंट मौत के मुंह में पहुंच चुका है। मेरे बेटे के एक्सीडेंट का भी ख्याल मैंने नहीं किया और ऑपरेशन थिएटर में जाकर मैंने केस संभाल लिया। डॉक्टर जोशी, ये क्या कह रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? सर, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप जरूर इन लोगों से पूछ लीजिए जो उस वक्त मेरे साथ में ऑपरेशन थिएटर में थे। डॉक्टर कपूर, आप ही बताइए सच्चाई क्या है। जी, सच्चाई तो वही है जो डॉक्टर जोशी कह रहे हैं। डॉक्टर कपूर, ये क्या कह रहे हैं? झूठ क्यों कह रहे हो? ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेता हूं मैं झूठा हूं। आप इन नर्सों से भी पूछ सकते हैं। सर, डॉक्टर जोशी ने जो कुछ कहा है वही सच है। गलत है, सरासर झूठ बोल रहे हैं, झूठ है। मैं समझ गया कि आप लोग सब मिल चुके हैं। मुझे फंसाने के लिए डॉक्टर जोशी का साथ दे रहे हैं आप लोग। समझ रहा हूं कि डॉक्टर जोशी के तलवे क्यों चाट रहे हैं आप लोग, क्योंकि जरूर डॉक्टर जोशी ने आप लोगों को कुछ लालच दी होगी। मैं इन्हें क्यों लालच दूंगा? और फिर मुझे किसी के साथ की क्या जरूरत है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं एक कामयाब डॉक्टर हूं, मेडिकल साइंस में मैंने बड़े बड़े कारनामे किए। तुमने क्या किया? तुम तो मेडिकल साइंस के एम भी ठीक तरह से नहीं पढ़े हो। डॉक्टर राज, तुम पर जो इल्जाम लगाया गया
वो सच साबित हो चुका है। तुमने अंडर प्रैक्टिस रहते हुए अपने सीनियर डॉक्टर जोशी की मर्जी के बगैर इतने बड़े केस में हाथ डाला, इसलिए तुम्हारी ये डिग्री छीन ली जाती है और आज के बाद तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सर लेकिन आप बाबूजी, एक बुरी खबर है, डॉक्टर राज पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी डिग्री छीन ली गई है। क्या इल्जाम लगाया उस पर? यही कि डॉक्टर राज ने दादी माँ का केस बिगाड़ दिया। अगर डॉक्टर जोशी ना आते तो ना जाने क्या होता। यह इल्जाम तो डॉक्टर जोशी में लगना चाहिए था, डॉक्टर राज पे कैसे लग गया? डॉक्टर जोशी खुद ना फंस जाए इसलिए उन्होंने सारे जूनियर स्टाफ को अपने साथ शामिल कर लिया और उन सब ने मिलकर डॉक्टर राज के खिलाफ गवाही दे दी। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, उस बेचारे ने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए किया। बाबूजी, हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें जाकर असलियत बता देनी चाहिए। अभी कुछ नहीं हो सकता, फैसला हो चुका है। क्यों कुछ नहीं हो सकता? हम डॉक्टर जोशी पर केस कर सकते हैं। राज का साथ देकर हमें उसे उसकी डिग्री वापस दिलवानी चाहिए। तुम ठीक कहती हो सुभद्रा, हमें इसी वक्त राज के पास जाना चाहिए। हाँ बाबूजी, इस वक्त तो बड़ा अपसेट होगा, चलकर उसे हिम्मत देते हैं। चलो चलो, उसका हौसला बढ़ा। अरे राज, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस ठिकाना बदल रहा हूँ। हमें सब कुछ पता चल चुका राज, हम जानते हैं तुम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। तुम अपने आप को अकेला मत समझो राज, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हिम्मत मत हारना राज, हर रात के बाद सब हारना है। और आपने कोई गलत काम थोड़ी किया, किसी की जान बचाई। दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी समझे, लेकिन तुम हमारी नजरों में और अपने आप की नजरों में बहुत ऊंचे हो। तुम हारे नहीं हो, ये तो तुम्हारी जीत है राज, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं खुश हूँ और सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की है कि जो भी जिम्मेदारी मैंने अपने आप पर ली थी उसे पूरी करने में मैं कामयाब रहा। बस अफसोस इस बात का कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओ? तुम अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए फिर से लड़ो, जोशी के खिलाफ केस दायर कर दो, हम सब लोग जोशी के खिलाफ गवाही देंगे। केस तो मैं जरूर करूंगा अंकल, बच्चों पढ़ने वालों में से नहीं हूं। मेरे करियर पे लगे धब्बे को मिटाने के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ने वाला हूं। हम भी तुम्हारा साथ आखिरी दम तक देंगे, चलो हमारे साथ। हमारे घर, मुझे पता है तुम यहां अकेले रहते हो। मैं जानता हूं कि इस शहर में मेरा कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों को मेरे लिए तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है। देखो बेटे, हमारे प्यार भरे आंगन में इतना बड़ा परिवार है, उसमें एक बेटा और बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं जानता हूँ कि आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क मुझे पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं अकेला रहूंगा उतना ही मुझे मेरी बदनामी का एहसास होगा, और जितना ही मुझे मेरी बदनामी का एहसास होगा उतनी ही जल्दी मैं अपने पर लगे कलंक को मिटा पाऊंगा। आप लोगों ने इतना कह दिया वही काफी है। लेकिन एक वादा करो राज, तुम जहां भी रहोगे हमसे रिश्ता नहीं तोड़ोगे। मैं आप लोगों से रिश्ता कैसे तोड़ पाऊंगा? इतना अच्छा परिवार जो मुझे मिला है, मुझे एहसास होने लग गया कि शहर में मैं अकेला नहीं हूं। हाँ, दादी माँ और देवयानी भाभी का ख्याल रखिएगा, जो दवाइयां मैंने लिख के दिए वक्त वक्त पर उन्हें दे दीजिएगा, 15 दिनों में वो इस तरह से घर आ जाएंगी जैसे कभी बीमार थी ही नहीं। चलता हूं। दादी घर में आई फिर से खुशियां छाई, दादी घर में आई फिर से खुशियां छाई, आंगन की ये तुलसी फिर से है मुस्काई। सबको राखे जग में राम, सबको राखे जग में राम, ये जीवन है आस का, ओ आंगन है प्यार का।
क्यों चली आई? मुझे कहती ना मैं आती। जब से मुझे पता चला है कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए तूने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, तब से मैं अपनी तकदीर को कोस रही हूं कि तूने मेरी कोख से क्यों नहीं जन्म लिया। दादी माँ, अच्छा है ना मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। अगर आपकी बेटी होती तो कब की विदा हो चुकी होती, और आपकी सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता। आपकी बहू हूँ, जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी। तेरा कहना भी सही है बेटे, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मेरा जो फर्ज था, मुझे ऐसा लगा कि इस घर को बच्चे की खुशी से ज्यादा बड़ों की साय की जरूरत है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। बेटे तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बता सकती। नहीं ऐसा मत कहना। देखिए मैंने अपना फर्ज निभाया, आप ऐसा कहकर मुझे नर्क मत भेजिए। भगवान तुझे लंबी उम्र, तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। हेलो नीना बेटी, कैसी है तू? ठीक हूँ माँ, आप कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं बेटी। अब मनोहर से इन्होंने 5 लाख रुपए की जो मदद ली थी ना, उन रुपयों का इंतजाम हो गया है। वो पैसे हम लौटाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। मैं भी सोच सोच के परेशान थी कि 1 महीने का वादा था और 3 महीने हो गए और हम रुपये नहीं लौटा पाए। अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग कल सुबह ही पैसे लेकर आ जाएंगे। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ माँ। एक्चुअली दूसरी बहुओं के सामने मेरा सर झुक जाया करता था, हालांकि ससुर जी ने आज तक कभी कुछ नहीं कहा। अरे बेटी ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारा तो फर्ज है ना कि जैसे पैसे लिए हैं वैसे ही उन्हें वापस कर दें। हाँ माँ, आप कब आ रहे हैं? हम कल सुबह आ रहे हैं बेटी, बस कल सुबह ही आ रहे हैं। अच्छा माँ, ओके बाय। बेटी की खुशियों का ख्याल माँ से ज्यादा और कौन रख सकता है? अब तुझे मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन देखना एक दिन तुझे जरूर पछतावा होगा। माँ तुम मेरी और इस घर की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दो, यहाँ आओ मुझसे मिलो और बस चली जाओ। पायल बेटी। अरे आंटी आप आइए ना। कैसी है बेटी? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। मम्मी आंटी से मिले ना। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं नीना भाभी को बुलाती हूँ। नीना भाभी, मम्मी आई हैं। आई रही थी मैं। मम्मी कैसे आप? मम्मी अच्छी हूँ। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी, मनोहर से भी कहा आप आने वाली हैं, उन्होंने बहुत देर तक आपकी राह देखी। मैं सुबह ही आने वाली थी बेटी, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई कि नहीं आ सकी, सोचा फोन कर लूँ, फिर ऐसा लगा कि अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुद ही चलकर बताऊंगी। फोन कर लूँ? ऐसा क्या हो गया मम्मी? बेटी कैसे बताऊँ, कल रात वो रुपए चोरी हो गए। ऐसी कौन सी जगह रख दी जो चोरी हो गए मम्मी? यही थे बेटी, हम लोग गहरी नींद में सो रहे थे, सुबह उठकर देखते हैं तो रुपए गायब। हमने सोचा था सारा कर्जा उतर जाएगा, भगवान को पता नहीं कुछ और ही मंजूर है। बेटी शोर के मारे तेरे डैडी भी याद नहीं आए। कोई बात नहीं, जो हुआ सब भूल जाइए, जब आपको सुविधा होगी तब दे दीजिएगा, और डैडी को कहिए इस बात को दिल में रखना। हाँ बहन जी, नीना बिल्कुल ठीक है। हाँ मुझे तो कौन डाल सकता है। आप लोग बैठिए, चाय नाश्ते करने आई आंटी, बैठिए ना। अरे कैसी बहू हो तुम, बड़ी बहू काम कर रही है और छोटी यहाँ आराम कर रही है। जाओ नीना का हाल आप बताइए बहन जी, सच्चाई क्या है? सच्चाई? यही कि रात में 5 लाख रुपए चोरी हो गए। बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अब ऐसे भी क्या जरूरत पड़ गई थी कि बेटी के ससुराल से कर्ज लेना पड़ा? बहन जी इनको बिजनेस में नुकसान हो गया था, इसलिए अचानक रुपए लेने पड़ गए। हमने सोचा था 1 महीने में उतार देंगे कर्जा, लेकिन 3 महीने हो गए और अब जाकर कहीं रुपयों का इंतजाम हुआ तो चोरी हो गई। बहन जी एक तो बेटी के ससुराल से कर्ज लेना ऐसा है जैसे कि भीख मांगना, ऊपर से हम बेटी वाले हैं,
और ये कर्ज? बहन जी मजबूरी थी। मजबूरी थी तो आप मुझसे मांग सकते हैं। हम बेटी बन गए। हाँ वो बात अलग है कि मेरी हैसियत अलग है और आप क्या मतलब है आपका? बात बिल्कुल सच कह रही हूँ। बेटी के ससुराल से पहले तो उधार मांगा और जब देने का समय आया तो बहाना बना दिया। बहाना? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सफेद झूठ बोल रही हैं आप। जो माँ अपनी बेटी के ससुराल से कर्ज ले सकती है वो झूठी ही नहीं महाझूठी है। कितने शर्म की बात, दामाद का पैसा हड़प कर जाना चाहती हैं आप? हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है। झूठ नियत में नहीं खून में होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ऐसी बातें तो वही लोग कर सकते हैं जिनके खून में गंदगी होती है। देखो जबान संभाल कर बात करो। अरे वाह गुस्सा तो ऐसे दिखा रही हो जैसे बड़े ऊंचे खानदान की हो। अरे ये तो इन्हीं लोगों का दिमाग खराब हुआ था जो तुम्हारे जैसे घटिया खानदान की लड़की को अपनी बहू बना। बस बस इसके आगे एक शब्द भी कहा ना तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। किससे दिखा रही हो? तुझे पता नहीं क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम मेरा? क्या कर सकती हो तुम? एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, तुम घटिया, तुम्हारा खानदान।